नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे कार्यक्रम यादें में। और आज यादें में एक बार फिर हमारे साथ हैं हमारे मित्र, हमारे हमसफर, हमारे मार्गदर्शक और हमारे चिकित्सक डॉक्टर अनिरुद्ध चंदोरकर। काफी दूर बैठे हैं, ये पुणे में हैं, लेकिन अपने वादे के मुताबिक ये हाजिर हो गए हैं हमारे लिए एक और नया राग और उस पर आधारित कई सारे फिल्मी गीत लेकर। तो नाउ इट इज ओवर टू डॉक्टर अनिरुद्ध चंदोरकर। किरण जी नमस्कार। सबसे पहले फिर एक बार आपको और आपके सारे श्रोताओं को मेरी ओर से सप्रेम नमस्कार। आज हमारे अभी चल रही श्रृंखला की 16वीं कड़ी है, जो इन दिनों जो श्रृंखला चल रही है इसके तहत हम रागों पर आधारित हिंदी फिल्म के और कुछ पॉपुलर गाने सुनवा रहे हैं। पिछले कार्यक्रम के बाद बहुत सारे श्रोताओं ने मुझे ईमेल, एसएमएस करके, कमेंट करके और व्हाट्सएप पर बताया कि बहुत सारे गाने मैंने पेश नहीं किए, उनमें से कुछ गाने लेकर के फिर मैं आज आपके सामने सादर कर रहा हूँ उसी राग किरवाणी पर। सबसे पहले राग का स्वरूप प्रकट करने के लिए, जो रात्रि के दूसरे प्रहर का राग है, यानी रात के 9 से 12 बजे तक बजाया जाता है, इस राग के स्वरूप को प्रकट करने के लिए, साफ दिखाने के लिए हम स्मित तिवारी जी के ओर से सरोद पर बजाया गया एक आलाप सुनते हैं। बहुत ही खूबसूरत तरीके से उन्होंने बजाया है, बहुत ही प्यारा राग है और बहुत अच्छा रेंडरिंग है। तो सुनते हैं स्मित तिवारी जी से सरोद पर राग किरवाणी का आलाप।
इसके बाद किरण जी हम सुनेंगे 1965 साल में बनी एक फिल्म थी जब जब फूल खिले। फिल्म का संगीत दिया था दो भाइयों ने, कल्याण जी आनंद जी साहब ने। गीत के बोल लिखे हैं आनंद बख्शी जी ने और नंदा और शशि कपूर की ये फिल्म में लीडिंग पेयर थी। नंदा ने शशि कपूर को बहुत सहारा दिया, जब उनकी फिल्में चल नहीं रही थी तो उन्होंने अपने साथ हीरो के बतौर उनको एक्ट करने का मौका दिया और शशि कपूर को करियर में सेट किया। आखिर तक शशि कपूर इस एहसान को कभी भूले नहीं। गाना जो है लता दीदी ने बहुत अच्छा गाया है और गाने के बोल हैं, ये समा समा है ये प्यार का, किसी के इंतजार।
सन 1969 में धर्मेंद्र जी और वैजयंती माला जी की जोड़ी पर एक फिल्म बनी। फिल्म का नाम है प्यार ही प्यार। फिल्म में शंकर जयकिशन जी का संगीत है और हसरत जयपुर जी के बोल हैं। फिल्म काफी अच्छी चली और रफी साहब के बहुत ही प्यारा सा एक गीत है, गाना बड़ा पॉपुलर है, आज भी हम सुनते हैं, मैं कहीं कवि ना बन जाऊं। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि ना बन जाऊं, जिगर के पार देखा। मैं कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार में कविता। मैं कहीं कवि न बन जाऊं। कहीं कवि न बन जाऊं, तेरे प्यार
किरण जी, किशोर कुमार को हमने सबने पहचाना है एक बड़े वर्सेटाइल एक्टर के रूप में, ज्यादातर कॉमिक टच के रोल किया करते थे और बहुत खूबसूरत गाने गाने वाले एक गायक के रूप में, जिनकी आवाज दिल को लुभाती भी थी और छूती भी थी। 1971 में उन्होंने अपने प्रोडक्शन के तहत एक फिल्म बनाई, फिल्म का नाम है दूर कर आई। वो प्रोड्यूसर भी थे, डायरेक्टर भी थे और उन्होंने फिल्म की स्टोरी लिखी, गीत का संगीत भी दिया। अशोक कुमार, तनुजा और किशोर दा की प्रमुख भूमिकाएं इस फिल्म में थी। इरशाद ने इस गीत को लिखा है और संगीत दिया है किशोर दा ने। किशोर दा के साथ जो थोड़ी सी एक स्त्री की आवाज सुनाई देती है वो सुलक्षणा पंडित जी की है। सुलक्षणा पंडित जी पंडित जसराज की नीस है, उनके भाई की बेटी। तो गाना सुनते हैं, बेकरार दिल तू गाए जा। बहुत ही खूबसूरत गीत है, बहुत दिल को छू जाता है। बेकरार दिल तू गाए जा, खुशियों से भरे वो तराने, जिन्हें सुन के दुनिया झूम उठे और झूम उठे दिल दीवाने। बेकरार दिल अरे तू गाए जा, राग हो कोई मिलन का, सुख से भरी सरगम का, युग युग के बंधन का, खुशी
सन 1971 में ही एक अच्छी फिल्म बनी थी। फिल्म का नाम था लाल पत्थर। इसे बनाया था FC मेहरा ने और फिल्म को निर्देशित किया था सुशील मजुमदार ने। शंकर जयकिशन जी का संगीत था, हसरत और नीरज के गीत हैं, लेकिन जो गाना मैं पेश कर रहा हूँ उसे लिखा था देव कोहली ने, गाया है किशोर दा ने और गाने के बोल है गीत गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैं। बहुत खूबसूरत गाना है, सुनते हैं इस गाने को। गीत गाता हूँ मैं, हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। ये मोहब्बत के पल कितने अनमोल हैं, कितने फूलों से नाजुक मेरे बोल हैं। सबको फूलों की माला पहनाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। मैं गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। रोशनी होगी इतनी किसे थी खबर, मेरे मन का ये दर्पण गया है निखर। साफ है अब ये दर्पण दिखाता हूँ मैं, मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ मैं, मैंने हंसने का वादा किया था कभी, इसलिए अब सदा मुस्कुराता हूँ मैं। किरण जी, 70 और 80 के दशकों में संजीव कुमार और जय भादुड़ी की अदाकारी खूब छा गई। दोनों ने मिलकर के बहुत सुंदर फिल्में इकट्ठा बनाई थी। दोनों ही काफी स्वाभाविक अभिनय करने में और सारी छटाओं को दर्शाने में काफी मशहूर थे। दोनों साथ काम करते तो कुछ यादगार फिल्में बनी, जिसमें कोशिश, अनामिका, शोले, परिचय सबसे ज्यादा मशहूर है। सिलसिला, नया दिन नई रात, नौकर में भी उन्होंने अलग किरदारों को पर्दे पर रंग दिया था। अनामिका फिल्म जो 1973 में बनी, उसे पंचम का संगीत था और मजरूह के गीत थे। यह गाना जो मैं पेश कर रहा हूँ बिना का गीतमाला के एनुअल हिट परेड में 4 नंबर पर था। किशोर दा का यह गाना बहुत ही लोकप्रिय बना। सुनते हैं, मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जल मन तेरा भी किसी के मिलन को, अनामिका तू भीतर से मेरी भीगी भीगी सी।
मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे मेरी भीगी भीगी सी तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया तुझे बिन जाने बिन पहचाने मैंने हृदय से लगाया पर मेरे प्यार के बदले में तूने मुझको ये दिन दिखलाया जैसे बिरहा की रुत मैंने काटी तड़प के आहें भर भर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे मेरी भीगी भीगी सी से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया आग से नाता नारी से रिश्ता काहे मन समझ न पाया मुझे क्या हुआ था एक बेवफा पे हाय मुझे क्यों प्यार आया तेरी बेवफाई पे हंस जग सारा गली गली गुजरे जिधर से जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए जैसे मेरे सपने बिखर के जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भी तरसे मेरी भीगी भीगी सी। बांग्ला भाषा में 1965 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था आकाश कुसुम। फिल्म बहुत अच्छी चली, बहुत बहुचर्चित थी। इसे बैसु चटर्जी ने 1979 में हिंदी भाषा में बनाई मंजिल इस नाम से। अमिताभ बच्चन और मौसमी चटर्जी की जोड़ी थी। मौसमी जी हेमंदा यानी हेमंत कुमार मुखोपाध्याय की बहू है और अपने चुलबुले अभिनय से उन्होंने सारों का दिल जीत लिया था। उनका मूल नाम इंदिरा चटर्जी था। उन्होंने जब हेमंदा के बेटे से शादी करी तो ससुर और पति के प्रोत्साहन से उन्होंने शादी के बाद मौसमी का स्क्रीन नाम धारण करके फिल्मों में काम करना शुरू किया। इस फिल्म में चार ही गाने हैं। इसमें एक किशोरदा और लता दीदी के दोनों स्वरों में अलग अलग रिकॉर्ड किया गया। दोनों गाने बहुत अच्छे हैं और गाना जो लता दीदी के सुर में है उसे मुंबई के भारी बरसात में फिल्माया गया है। तो सुनते हैं गाना रिमझिम गिरे सावन, बहुत खूबसूरत गाना है, किरवाणी में बहुत ही अच्छी कंपोजिशन है। लगी कैसी ये अगन
सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिर सावन सपने नयन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिम झिम गिर सावन अगला गाना जो मैं पेश कर रहा हूँ वो 1977 में एक फिल्म बनी थी स्वामी, उसके निर्देशक भी बासु चटर्जी ही थे। फिल्म को जया चक्रवर्ती यानी हेमा मालिनी के माताजी ने बनाया था। संगीत था राजेश रोशन का। बहुत सुंदर गाने हैं। इसमें यशुदास का एक गाना जो है बहुत खूबसूरत है। वैसे तो इस गाने की बंदिश जो है लव जो है ट्रेडिशनल पारंपरिक है, लेकिन फिल्म में इसे अमित खन्ना को क्रेडिट किया गया है। धीरज कुमार पर फिल्माया गया यह गाना आज तक मुझे याद है, भूल नहीं सकता। फिल्म करके और रिलीज होकर के तकरीबन 50 साल हो जाएंगे अभी 2 साल में, लेकिन गाना आज भी मुझे कानों में गूंज रहा है। गाने के बोल हैं, का करूं सजने आए ना बालम, ठुमरी है और सुनते हैं ये गाना। का करूं सजने आए ना बालम, का करूं सजनी आए न बालम, खोज रही है पिया परदेसी अखियां, खोज रही है पिया परदेसी अखियां, आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम।
जब भी कोई आहट होवे मनवा मोरा भागे, देखो कहीं टूटे नहीं प्रेम के ये धागे। है मतवारी प्रीत हमारी छुपे ना छुपाए, छुपे ना छुपाए। सावन हो तुम मैं हूँ तोरी बदरियां आए न बालम, का करूं सजनी आए न बालम। किरण जी, इंडियन गजल गायकों में मेरे सबसे पसंदीदा गायक जिन्हें पर्सनल तौर पर भी जानने का, पहचानने का और दोस्त बनाने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ, वो है जगजीत सिंह जी। बहुत उम्दा कलाकार थे, बहुत उम्दा इंसान थे, गाते थे भी बहुत संजीदगी के साथ। सबसे ज्यादा पॉपुलर कलाकारों में एक है। बहुत ही चकम के एंड में मैं पेश करता हूँ खान साहब मेहंदी हसन साहब की सुरीली आवाज में अहमद फराज के एक मशहूर गजल जो उन्होंने राग किरवानी में पेश की है। गजल के बोल हैं काफी मशहूर हैं, सभी जानते हैं इसे। शोला था जल बुझाऊं, हवाओं मुझे न दो। शुक्रिया, फिर एक बार मिलेंगे और कुछ चंद हसीन गाने, कुछ सुरीले गजलें लेकर के किसी और राग पर आधारित। धन्यवाद, फिर एक बार सभी को शुक्रिया। सुनते हैं इस गजल को। जल बुझाऊं
जल बुझा मुझे ना तो शोला जल बुझा मुझे ना तो मैं कक्का जा चुका सताए मुझे ना दो शोला जल बुझा मोहब्बत न था फराज़
मोहब्बत न था फराज, कब मुझको एतराफ मोहब्बत न था न था न था फराज न था कब मुझको 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 कब मुझको एतराफ मोहब्बत न था फराज़, कब मैंने ये कहा था सजाए मुझे न भूलो, कब मैंने ये कहा था सजाए मुझे न दो, मैं कब का जा चुका सताए मुझे न दो, जल बुझा मुझे न दो, मैं कब का जल चुका सदाए मुझे न दो, शोला था जल बुझा डॉक्टर साहब आपने हमको राग कीरवानी पर आधारित आज वो सारे गाने सुनवाए जो पिछले एपिसोड में रह गए थे। आपने हम लोगों की अधूरी आस पूरी करी और अपना मन भी खुश किया। इसके लिए मैं एक बार फिर आपका धन्यवाद दूंगी अपनी ओर से, रेडियो नोएडा की ओर से और अपने श्रोताओं की तरफ से। और ये भी कहूंगी कि हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा आपका अगले हफ्ते, जब आप आएंगे एक और नए राग के साथ, नए गानों के साथ और उनके बारे में हमें और जानकारी देंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।